जिसका कोई यूज नहीं है, लेकिन अपने इंडिया में उसके लिए भाई लोग पागल रहते हैं, तो वो इसमें आपको मिलने वाली है। बड़ा अच्छा लगा यार कि इतने सारे फीचर्स टाटा मोटर्स दे रही है अपनी गाड़ी में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है भाई, जो पर उसमें कोई दिक्कत आए तो भाई उसका समाधान करके दे दिया करो कस्टमर्स को, उनको रोना ना पड़े। महिंद्रा स्कॉर्पियो जस्ट अभी बिल्कुल अभी निकाल के लाया हूँ, इशू दिखाओ। तो भाई कोई फायदा नहीं इन फीचर्स का हमें। सो गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू चैनल, एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज के जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं टाटा कर्व ईवी और उसके जो आईसी वर्जन है उसका। तो जी ईवी जो है लॉन्च हो चुकी है आज, और उसका जो प्राइस रखा गया है मेरे हिसाब से तो भाई अभी ठीक ठाक प्राइस मुझे लगा इसका, जो ईवी वर्जन का इन्होंने प्राइस रखा है। तो प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसमें मिल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, और जी कैसी रहेगी अगर आप ईवी पे जाना चाह रहे हो तो कैसा रहेगा, प्लस जो इसका आईसी वर्जन है वो कब तक लॉन्च हो जाएगा, वो सबको वैसे ऑलमोस्ट पता चल गया है लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी। तो जी चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और बात करते हैं भाई कर्व के बारे में। बहुत दिन से इसका होल्ड मचा पड़ा था, तो लगभग 2023 से जो इस गाड़ी का वेट कर रहे हैं, जब से ये ऑटो एक्सपो 2023 में देखी गई थी तो भाई तब से गाड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। उस टाइम पे इन्होंने इसका जो है डिजाइन वहां पे शेयर किया था। तो जी वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सबसे बोलूंगा भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर लेना यार, आगे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखो भाई हमारा जो रहता है मोटिव, आपको एग्जैक्ट नॉलेज देना होता है, एग्जैक्ट आपको बात बताना होता है भाई। ये नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े इवेंट में जाके वहां पे जाके फिर उनकी वाहवाही करते रहे, जो एग्जैक्ट चीज हमें लगती है भाई वो आपके सामने मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। तो आज वो चीजें भी डिस्कस करेंगे कि क्या इस पे जाना चाहिए और कहाँ कहाँ कमियां हैं अभी भी भाई। टाटा कर्व लॉन्च करी है, जितने इसमें फीचर्स मिले हैं तो क्या उन सब फीचर्स का फायदा है हमें, या फिर उनका फायदा हमें होगा, तो वो सारी चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो पहले अपना। तो जी कर्व हो चुकी है लॉन्च, और लगभग 2 से 3 घंटे मेरे भी बर्बाद हो गए, और जो वहां गए थे उनके तो वही होंगे बेचारों के, क्योंकि 2-3 घंटे बहुत चाटा है यार, इतना चाटा बहुत ज्यादा। उसमें पता नहीं दुनिया जहां की चीजें बताई, वैसे बड़ी कुछ कुछ अच्छी चीजें भी बताई, बट वो जो मेन पॉइंट वाली बातें आती है वो सबसे एंड में आती है भाई। मैं तो सोच रहा था कि भाई जो पेट्रोल और डीजल है उसका भी प्राइस आज पता चल जाएगा, बट उसके लिए उन्होंने टाल दिया। उसका प्राइस आपको 2 सितंबर तक वेट करना पड़ेगा उसके प्राइस के लिए अगर उस पर जा रहे हो तो आप। बाकी जी उसमें जो है ये 1.2 लीटर GDI इंजन जो लेके आए हैं उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया, ज्यादा डिटेल्स जो है उसकी शेयर नहीं करी है इन्होंने यहाँ पे। उसमें आपको 125 PS की पावर मिल जाती है और 225 Nm के टॉर्क मिल जाते हैं, तो ये एकदम न्यू इंजन है टाटा मोटर्स का। दूसरा जी इसमें 1.5 लीटर आपको क्रायोजेट इंजन मिलेगा, 7 speed DCA के साथ में, 6 speed manual के साथ में। और जी इसमें जो माइलेज उन्होंने बताया डीजल में वो लगभग 20+ mileage आपको जो है निकाल के देगा, अभी उसकी ज्यादा डिटेल्स जो है शेयर नहीं हुई है। बाकी जी गाड़ी अगर हम पहले सबसे पहले बात करते हैं देखने में कैसी लग रही है भाई, लुक वाइज क्या है, तो भाई गाड़ी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लुक में कोई मुझे कमी नहीं लग रही भाई। फ्रंट डिजाइन आप देख लो या साइड डिजाइन देख लो, बिल्कुल एकदम वो तो यूनिक है, खैर क्योंकि कूपे SUV अभी तक इंडिया में नहीं थी और ये एकदम नया सेगमेंट है, तो भाई अभी लोग इस पे जाएंगे तो सही, और ये लोगों को पसंद भी आने वाली है। अंदर बैठने पे एग्जैक्टली पता चलेगा भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है जो रियर सीट पे पैसेंजर बैठ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा क्लस्ट्रोफोबिक तो नहीं लग रहा है। यूजुअली होता है बहुत से लोगों को ना ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा दबी हुई गाड़ी है तो उसमें क्लस्ट्रोफोबिक बहुत ज्यादा फील होता है, स्पेशली जब आप हिली एरिया में जा रहे हो वहां पे और भी ज्यादा वो चीजें जो है फील होती है, तो वो बैठने पर पता चलेगा। तो जल्दी ना बैठ उठ के भी उसमें पूरा चेक उक करके और उसका भी एक आपको पूरा वीडियो देंगे, ड्राइव रिव्यू भी इसका बताएंगे जी। अब बात करते हैं भाई ईवी की। तो ईवी में जो आपको मोटर मिल रही है वो मिल रही है 123 kWh की मोटर इसमें आपको जो है मिलने वाली है भाई, जो लिक्विड कूल्ड होगी, और इसमें 45 kW की बैटरी मिलेगी जो भाई एक शॉर्ट रेंज के लिए रहेगी, और एक 55 kW की बैटरी मिलेगी जो भाई लॉन्ग रेंज में रहेगी। शॉर्ट रेंज में जो इन्होंने जो क्लेम कर रहे हैं 502 किलोमीटर ये कैलकुलेट करके चल रहे हैं, और लॉन्ग रेंज में जो ये कैलकुलेट कर रहे हैं वो 585 किलोमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई इतनी लॉन्ग रेंज में चल जाएगी। साथ ही इसमें आपको एक फास्ट चार्जर मिल रहा है 1.2 का, जिसमें कि आप 15 मिनट में जो आपकी गाड़ी को 150 किलोमीटर की रेंज तक का जो है चार्ज करके दे देगा भाई।
और अगर टायर की बात करें तो भाई 215/55 R18 मतलब 18 इंच का जो एलॉय के साथ में इसमें आपको भाई टायर साइज मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की 190 mm रखी गई है जो मुझे बिल्कुल सही लग रही है, सफिशिएंट लग रही है। बाकी जी इंडियन एनकैप में जो है इसका 5-star रेटिंग इसको मिल चुकी है जो इन्होंने शेयर करी है। यहाँ पे 500 लीटर का बूट स्पेस इस गाड़ी में आपको मिल रहा है जिसको अगर आप सील्ड फोल्ड कर देते हो तो भाई वो 973 लीटर का बूट स्पेस हो जाता है। बूट स्पेस बहुत बड़ा इसमें आपको मिलने वाला है भाई। तो ये तो जी ईवी के अंदर आपको जो बैटरीज वगैरह मिल रही है वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया इसके बारे में। अब बात करते हैं भाई फीचर्स क्या क्या ये दे रहे हैं। मोटा मोटी फीचर्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भाई। लेवल 2 एडास इन्होंने जो है इंक्लूड कर दिया जिसमें 20 फीचर्स ऑलमोस्ट आपको जो है मिलेंगे। 360 व्यू कैमरा इसमें आपको भाई मिल जाएगा। अगर कलर की बात करें तो भाई कलर ऑलमोस्ट सारे अच्छे लग रहे हैं, बड़े प्यारे कलर इस गाड़ी के जो है दिए गए हैं। एक इसमें आवाज करके इन्होंने जो है फीचर दिया है एक्यूस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम, जो भाई आपकी गाड़ी अगर कोई चुराता है या दूर जाती है तो उसमें एक अलग साउंड आने लगेगा। बाकी जी इसमें 6 एयरबैग जो है इन्होंने स्टैंडर्ड कर दिए हैं, वो बड़ी अच्छी चीज है। फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको गाड़ी में मिलने वाले हैं, वेंटिलेटेड सीट आपको मिलने वाली है, पैनोरेमिक सनरूफ जिसके लिए जिसका कोई यूज नहीं है लेकिन अपने इंडिया में उसके लिए भाई लोग पागल रहते हैं तो वो इसमें आपको मिलने वाली है। 9 स्पीकर सिस्टम इसमें आपको जो है मिलने वाला है भाई, सब बूफर आपको मिलेंगे और आपको एक उसमें पॉडकास्ट मोड भी मिलने वाला है। और जी एल्टास प्लेटफॉर्म पे जो है ये गाड़ी बनी है तो ये एक इन्होंने नया प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आपको जो है भाई अब आने वाली ज्यादातर एसयूवी गाड़ियां जो है टाटा मोटर्स की इस प्लेटफॉर्म पर बनी हुई मिलेंगी। अगले साल इसकी टाटा की सियरा आने वाली है वो भी सेम प्लेटफॉर्म पर ही बनेगी। अब जी बात करते हैं प्राइस की गाड़ी के, तो भाई अगर हम इसके ईवी के प्राइस देखते हैं क्योंकि अभी ईवी के ही प्राइस हमें दिए हैं तो भाई क्रिएटिव इन्होंने स्टार्ट कर दिया है शॉर्ट रेंज के साथ में 17,49,000 से। और जी अगर आप इसके एकम्प्लिस पे जाते हो तो एकम्प्लिस इसका 18,49,000 का जाता है और अगर आप एकम्प्लिस्ड प्लस एस पे जाते हो तो वो भाई 19,29,000 तक पहुंचता है। तो शॉर्ट रेंज में ही आपके 3 वेरिएंट आपको जो है मिलने वाले हैं। लॉन्ग रेंज में आपको जो है एकम्प्लिस्ड से स्टार्ट होगा, उसमें भी आपको लगभग 4 वेरिएंट मिल जाएंगे। तो लॉन्ग रेंज के साथ आपका जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 19,25,000 और अगर हम एकम्प्लिस्ड प्लस पे जाते हैं प्लस एस पे तो भाई वो स्टार्ट हो रहा है 20,00,000 से और अगर उसके बाद जाते हैं एम्पावर्ड प्लस तो वो 21,25,000 से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद अगर हम जाते हैं भाई एम्पावर्ड प्लस ए तो वो जी 22,00,000 पहुंच जाता है सीधा 22,00,000 आप मान के चलो। तो कुछ ये प्राइस रेंज जो है इस गाड़ी की दी गई है। उन्होंने खुद वहां पे ये चीज बोली थी कि भाई आज की डेट में अगर मिड साइज एसयूवी के प्राइस हम ऑन रोड देखते हैं तो भाई लगभग 17,00,000 से स्टार्ट होके और 25,00,000 तक पहुंच जाते हैं। It is important to look at a few facts. The on-road price of entry variants of automatic mid SUVs in India is between 18 and 21 lakhs. तो वो चीजें उन्होंने जो है ध्यान में रखी है। तो भाई प्राइस अगर हम देखें ईवी का तो भाई तो जी मेरे हिसाब से प्राइस जो है ईवी का काफी सही रखा गया है क्योंकि अगर हम बात करें ना जब टाटा नेक्सन आई थी ईवी तो उसके प्राइस में और जो नेक्सन का पेट्रोल इंजन आता था जी उसके और उसके प्राइस में ऑलमोस्ट डबल का अंतर था। वो 16,00,000 के आसपास पहुंचती थी और जी वो 8,00,000 से स्टार्ट थी तो डबल का अंतर ऑलमोस्ट था। तो हो सकता है यहाँ पे भाई अब जब अगले प्राइस आएंगे इसके जो पेट्रोल और डीजल इंजन के प्राइस आएंगे तो भाई उनमें जो है अंतर ज्यादा ना देखने को मिले। फिर भी आप मान के चलो 10,50,000 तक जो है इसका पेट्रोल इंजन जो है स्टार्ट होगा शायद, जो क्या 2 सितंबर को हमें पता चल जाएगा। ईवी की बुकिंग्स जो स्टार्ट हो जाएंगी 12 अगस्त से, उन्होंने बोल दिया है कि भाई 12 अगस्त से आप जो है अपनी गाड़ी बुक कर सकते हो अगर ईवी पे आपका जाने का मन है तो। तो ऑलमोस्ट मैंने भी जी सारी बातें सुनी एंड बस मेरे दिमाग में ना एक ही चीज आ रही थी बाद में जब इतने सारे फीचर्स उन्होंने बताए ना इसमें तो बड़ा अच्छा लगा यार कि इतने सारे फीचर्स टाटा मोटर्स दे रही है अपनी गाड़ी में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है भाई जो इंटीरियर एरिया है वहां पे इन फीचर्स के बारे में उनके मैकेनिक को पता भी नहीं होता है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने आती है भाई सर्विस सेंटर की और सर्विस सेंटर पे जो है मुझे नहीं लगता कि कोई भी वो क्वेश्चन करते हैं, कभी भी उन्होंने कोई सर्विस सेंटर पे बात ही नहीं करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। जैसे अब लॉन्च हो रहा है तो भाई ठीक है तुमने फीचर्स तो इतने भर भर के दे दिए, एडास लेवल 2 दे दिया लेकिन उसके किसी फीचर्स में कोई गड़बड़ आई तो भाई जाके हम वहां पर खड़े होते हैं सर्विस सेंटर पे और वो भी भाई गोल गोल से ही घुमाते हैं हमें। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है भाई सर्विस को लेकर। तो भाई मेरे हिसाब से
फीचर्स चाहे आप थोड़े कम कर लो, पहले भाई अपनी सर्विस सेंटर जो है वेल डेवलप कर दो, अच्छे मैकेनिक वहां पे रखवा लो भाई, जिससे कि पता चले वो ऐसा नहीं लगे कि सरकारी सर्विस सेंटर में आप जा रहे हो। बहुत एरिया है ऐसे, बहुत से लोग कहेंगे नहीं जी सर्विस सेंटर अच्छे हैं, मेट्रो सिटीज में बेसिक आपको सर्विस सेंटर अच्छे मिल जाए, लेकिन जो स्मॉल सिटीज है भाई वहां पे आपको सर्विस सेंटर अच्छे नहीं मिलने वाले। मैं अगर बात करूं गोवा की तो भाई ऐसा लगता है सर्विस सेंटर के अंदर जाके जैसे किसी कबाड़ खाने में आ गए, सर्विस सेंटर तो बहुत कम लगता है। फिर वहां के उनके एटीट्यूड थोड़े अलग होते हैं, उनको लगता है यार हम तो मैकेनिक है, हम तो सब कुछ जानते हैं, जबकि उनको आता कुछ नहीं है भाई साहब। मैंने अच्छे से देख रखे हैं पूरे अच्छे से, क्योंकि मैंने टाटा की गाड़ियां चलाई हैं अभी तक, तो मेट्रो सिटी में फिर भी मुझे सही ठीक ठाक सर्विस मिल जाती थी, पर भाई छोटे सिटीज में जो है सर्विस का हाल अभी भी बुरा है। इस चीज पे मुझे लगता है टाटा मोटर्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गाड़ी लॉन्च करो आप अच्छे से, गाड़ियां कोई दिक्कत नहीं है, फीचर्स भी फिर भर भर के दो, पर उसमें कोई दिक्कत आए तो भाई उसका समाधान करके दे दिया करो कस्टमर्स को, उनको रोना ना पड़े। अब ये टाटा मोटर्स की कहानी नहीं है भाई, ये सारी कंपनीज की कहानी है, थोड़ा ना थोड़ा सब कंपनी में ये परेशानियां आती हैं छोटे सिटीज में, लेकिन ज्यादा टाटा मोटर्स और दूसरे जो है महिंद्रा भाई, महिंद्रा में भी सेम ही हाल है। महिंद्रा में तो इवन दिल्ली के अंदर भी सेम हाल हो जाता है कई बार। अभी मैंने एक किसी का वीडियो देखा, डिलीवरी लेकर आ रहे थे बेचारों की, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई दिल्ली के अंदर। महिंद्रा स्कॉर्पियो जस्ट अभी बिल्कुल अभी निकाल के लाया हूँ, इशू दिखाओ, स्टार्ट करियो, नहीं हो रही भाई स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद पता ही नहीं स्टार्ट ही नहीं हो रही वो, और सारी लाइट वाइट जितनी थी वो खत्म हो गई। कोई लाइट आ जाए आपके क्लस्टर मीटर में ना, तो वो लाइट इनसे खत्म नहीं होती है, वो हटती नहीं है, तो ये दिक्कत है इनके साथ चलती है। तो सेम हाल महिंद्रा का भी ऐसा ही रहता है भाई, तो बेटर है कि भाई अपनी सर्विस सेंटर और अच्छे कर लो। ये सब तो सही है कि भाई गाड़ियां अच्छी ला रहे हो, बेशक आप 5-स्टार गाड़ियां हमें प्रोवाइड करा रहे हो, सेफ्टी का आप ध्यान रख रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ भाई सर्विस भी जो है उसका भी ध्यान रखो और कस्टमर का भी ध्यान रखो। महिंद्रा के शोरूम में चले गए ना तो वहां पे ऐसे ट्रीट करते हैं कि आपने एहसान करा उनके ऊपर जाके। मैंने ये चीजें फेस करी है तो इसलिए भाई बता रहा हूं, तो ये ऐसी चीजें होती है, तो बेटर है कि भाई थोड़ा आप अच्छा करो इन चीजों को, सर्विस पे आप ज्यादा ध्यान दो। टाटा मोटर्स में फिर भी शोरूम पे आप जाते हो तो वहां पे उनका एटीट्यूड फिर अभी ठीक हो गया है, पहले से बहुत ठीक हो चुका है, लेकिन सर्विस सेंटर पे अभी भी सेम हाल ऑलमोस्ट मुझे लगता है। पहले से ऑल्दो थोड़ी बहुत ठीक हुई है, पर भाई उतने हालात जो है नहीं सुधरे, छोटे सिटीज में नहीं सुधरे। उनको लगता है कि यार क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, बस जाने दो, या फिर इलझाते रहो ऐसे चक्कर लगवाते रहो सर्विस सेंटर के। आदमी परेशान होकर एक ना एक दिन खुद ही जाना छोड़ देता है, तो ये हाल हो जाते हैं। तो इसलिए भाई मैंने सोचा कि भाई ये बात करी जाए कि भाई फीचर्स आप अच्छे दो, और वरना इन फीचर्स का कोई फायदा नहीं। अगर आप सर्विस नहीं दे पा रहे, उसमें कोई गड़बड़ आ रही है तो आप उसको सही नहीं कर पा रहे, तो भाई कोई फायदा नहीं इन फीचर्स का हमें। एंड उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बताना, सब्सक्राइब भी करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।